इसका क्या, इतना तो अच्छा था और कहानी भी कितनी अच्छी थी, क्यों नहीं लूं? बहुत मजा आया भैया। हमने सोचा है कि हम कुछ आपके नया करें। नया? ये तो तुम सबने बहुत ही अच्छा सोचा, लेकिन भाई तुम सब नया क्या करने की सोच रहे हो? नाटक। नाटक करने की सोच रहे हो? आपने पहले कार्यक्रमों में देखा कि बच्चे जब नाटक देखकर वापस आए तो उन्होंने निश्चय किया खुद नाटक खेलने का। पहली बार देखा गली में भैया के साथ, फिर वो निकल पड़े नाटक की दुनिया की गहराइयों में। डुक 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 डुक। मैं हूँ जोकर निराला, बच्चों को हंसाने वाला। मैं हूँ बंजारन। भैया ने उन्हें समझाया कि सबसे पहले नाटक खेलने के लिए जरूरी है शरीर का लचीलापन, ताकि किसी भी प्रकार के अभिनय में कोई मुश्किल ना आए। इसके साथ ही जरूरी था दिए गए निर्देशों को ठीक से समझना। भैया ने ये सभी बातें मजेदार खेलों के माध्यम से बच्चों को समझाई। अब मोटे लाला धीरे धीरे करके उठेंगे और धीरे, बिल्कुल धीरे। आए रे, मोटे लाला के पीठ पे लग गई। मोटे लाला चलेंगे अब धीरे धीरे, और ये करके हिरण ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा ये? हाँ। बच्चे अब तैयार थे नाटक की दुनिया की अगली सीढ़ी को चढ़ने समझने के लिए, और वो थी बात कहानी की। भैया भैया भैया, मुझे ये हाथी की कहानी मिली है, हम तो इसी बारे नाटक खेलेंगे। अरे नहीं भैया, हम किसी हाथी वाथी की कहानी पे नाटक नहीं करेंगे, हम तो इस परी की कहानी पे नाटक करेंगे। अरे भाई, जरूरी थोड़ा है कि तुम्हें इन्हीं कहानियों। भैया ने बताया कि नाटक के लिए कहानी खुद भी बनाई जा सकती है, और वो भी खेल खेल में ही। नाटक होता है बहुत लंबा, यानी शुरुआत का और अंत का, और इतने लंबे नाटक को हम बहुत सारे भागों में बांट देते हैं, यानी हम बहुत सारे सीन्स में बांट देते हैं। इससे सीन सोचने वाले को भी आसानी होती है और जो कर रहा है उसे भी आसानी होती है। जैसे अब हम एक नाटक करने की सोच रहे हैं। क्या हुआ जब वो लकड़ियां काट रहे थे, सामने उनकी आ गया शेर। अब बेचारे किसान क्या करते, अब बताएगी स्वाति। तो चलो भाई स्वाति, अब बताओ कि जब किसान। भैया ने ही शुरुआत करी कहानी की, और एक के बाद एक बच्चों ने उसे आगे बढ़ाया। जब किसानों ने शेर को देखा तो वो तो ऐसा करने से उन्हें समझ में आया कि नाटक के अलग अलग भाग क्यों करे जाते हैं, और उनमें वो कौन सी चीजें हैं जो एक को दूसरे से अलग करती हैं। चिड़िया ने सोचा भाई इनकी किसी न किसी तरह तो मदद करनी ही चाहिए। फिर राजा ने पूरी प्रजा के सामने माफी मांगी। अरे वाह, और उस पूरे महल में खुशियां ही खुशियां। अरे वाह, यानी राजा अंत में कहानी तैयार थी। ये तो बहुत ही अच्छा। सोचना ये था कि उसे कहां और कैसे खेला जाए। आओ देखते हैं आगे क्या हुआ। ये बढ़िया लग गया। नमस्ते। और भाई क्या हाल चाल है तुम सबके? ठीक है बस भैया, ठीक ही है। लेकिन ये सब क्या है भैया? अरे भाई बताता हूँ ये सब क्या है, लेकिन पहले तुम सब ये बताओ, तुम लोगों को क्या इस खेल में मजा आ रहा है या नहीं? सचमुच भैया बहुत मजा आया। हाँ भैया, अपने रोल की तैयारी करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन भैया हम इन सब से क्या करेंगे ये तो बताइए ना। आज मैं तुम सबको सेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सेट्स? ये सेट्स क्या होते भैया? देखो पिछली बार मैंने तुम सबको बताया था ना कि नाटक में बहुत सारे सीन्स होते हैं
सीन्स यानी भागना भैया। हाँ बिल्कुल सही। जैसे घर का सीन, राज दरबार का सीन, बाजार का सीन और चौराहे का सीन, और ऐसे बहुत सारे सीन, जंगल का, किसी का भी। बस इन्हीं सीन्स में अलग अलग सामान पड़ा होता है, यानी एक सीन में दूसरे सीन से अलग सामान पड़ा होता है। इसी सामान को हम नाटकीय भाषा में सेट्स कहते हैं। अच्छा तो फिर बताओ कि तुम पेड़ को जंगल में रखोगे या फिर राजदरबार में? जंगल में। बिल्कुल सही। हाँ भैया अब आ रहा है कुछ कुछ समझ में। इसे और आसान बना देते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैंने आसपास कुछ सेट्स लगाए थे कि तुम लोगों को सेट समझने में आसानी हो। तो चलो भाई चलते हैं राजा रानी की दुनिया में। यानी सबसे पहले मैं लेके चलता हूं तुम्हें एक राज दरबार के सेट पे। तो चलो भाई। अरे भैया ये राज दरबार का सेट तो कितना ही सुंदर है। भैया आपने कैसे बनाया और किस चीज से? तुम सब सचमुच जानना चाहोगे? हाँ भैया। तो इधर आओ वारन। एक मिनट नीलू खड़ी होगी। जरा ये पकड़ो नीलू, और ये तुम पकड़ो छोटी, और ये तुम पकड़ो जरा, और ये देखो फिर अब जादू। वरुण जरा इसको मेरे साथ उठवाना। हाँ छोटी एक से पीछे हटो भाई, उन सबको भी तो देखने दो। इन सबको भी देखो। तो ये आया जादू। हाँ भाई तो यही है जादू। भैया ये तो बहुत ही सुंदर है। कहा था ना तुम सबको कि नाटक खेलना बहुत आसान है। देखो घर के सामान जैसे मेज से मैंने राज सिंहासन बना दिया, सिर्फ तुम्हें जरा सी अकल का उपयोग करना है। जैसे मैंने इसका मेज का एक बेस बनाया। बेस? यानी एक ढांचा। तुम किसी भी चीज का ढांचा तैयार करके उसके ऊपर रंग बिरंगे कागज चिपका के, सुंदर से फूल बना के, कुछ भी उसके ऊपर लगा के उसे सजा के सिंहासन बना सकते हो, बैठने का एक सुंदर सी कुर्सी बना सकते हो। तो आओ भाई तुम सबको मैं एक ढांचा बनाना सिखाता हूँ। चलो, चलो। हाँ हाँ भैया। लेकिन भाई ढांचा बनाएंगे किसका? अरे भैया आपके नीचे जो खटोला रखा है क्यों ना हम उसका एक ढांचा बनाए। जैसा तुम सबका हो। तो लो भाई रख देते हैं तुम्हारे खटोले को आगे और नीचे साफ करो। तो सबसे पहला काम है ढांचा बनाने के लिए हम लेंगे गत्ता। ये लिया हमने ये गत्ता और ये ली कैंची। और सबसे पहले जितनी लंबाई है उसके हिसाब से हम काटेंगे। ये है इसकी लंबाई, ठीक है, ये इतना। तो हमने लिया ये गत्ता और इसको काटा। चलो भाई हमने काट लिए गत्ते कि उसको चारों तरफ से जो घेर सके। अब हमें गत्तों को बीच में रख के उनको टेप से जोड़ना है। चलो भाई अब इसको हम जोड़ते हैं टेप के साथ। ये ऐसे। चलो भाई हमने चिपका दिया इसको चारों तरफ से, और अब हम इसको यहाँ इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो बन गया तुम्हारा ढांचा। अब तुम चाहो तो इस ढांचे पे कुछ भी बना सकते हो। जैसे इसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल लगा सकते हो, और पीछे एक बड़ा सा गत्ता और लगा के उसके ऊपर फूल लगा के इसको सिंहासन बना सकते हो। बहुत बढ़िया। अब देखो ये शेप लिया ना, और इसके ऊपर भैया भैया ये भी दो, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। ये ठीक है भैया? देखो मैंने ये बनाया है, क्यों ना हम इसको उसके ऊपर लगाएं। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो भाई हो गया तुम्हारा सिंहासन तैयार।
बताओ भैया, लगती हूँ ना मैं असली की राजा? बिल्कुल असली की, और हम इन सब की प्रजा। तो लो भाई, एक सेट तो तुम्हारा तैयार हो गया। ऐसे नाटक में और भी बहुत सारे सेट हैं। अब उस तरफ देखो जरा, पीछे मैंने तुम्हारे लिए लगाया है वो सेट, और तुम सब बताओ ये सेट किस चीज का है? कमरे का। हाँ, तो इस कमरे में जाके बातें कौन करेगा? अच्छा, ज्योति और शालू जाएंगे और उन कुर्सियों बैठ के बातें करेंगे। तो तुम सब खुद देखना कि जैसे लगेगा कि मानो हम असली के कमरे में आ गए। चलो भाई, बैठ के हमें कुछ बातें करके दिखाओ। और चाहो तो तुम उसको वहां पे चाय भी पी सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां गिलास होना चाहिए, बिना गिलास के भी तुम चाय पी सकते हो, सिर्फ दिखाना कि तुम चाय पी रहे हो। अच्छा, ऐसे दिखना चाहिए। तो चलो भाई शुरू करो। अरे चाय कैसी बनी है? ठीक है बस। अच्छा शालू, कल मैंने तुझे मेले में देखा था। मैंने वहां पे केले खाए और मिठाई खाई और मैंने गुड़िया भी ली, पर तूने कल कुछ नहीं लिया। जानती हूँ, पैसे भी नहीं थे तेरे पास। तो ठीक है, बता, मैं तेरी पॉकेट छान रही थी। अच्छा चलो भाई, शालू को गिनने देते हैं उसकी जेब में पैसे, तब तक हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेट पे। पहले जरा इसको हटा ले। सुनील जरा मेरी मदद कराना इसको। हाँ, इसको लेके चलो। तो तुम सबने बना दिया यहाँ एक बाजार का दृश्य। यहाँ तो बन गया बाजार का दृश्य, लेकिन तुम सबको एक बात ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कोई दृश्य के लिए हमें जैसे ये बनाने की जरूरत हो, इतना कुछ रखने की जरूरत हो। कुछ दृश्य तुम बिल्कुल आसान सामान से बना सकते हो, या बिना सामान के। इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, यानी दिमाग का इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिखानी है वही सामान रख के दिखाओ, उसको बिना सामान रखे भी दिखाया जा सकता है। जैसे हमारा दूसरा जंगल का दृश्य। आओ तुम्हें बनाते हैं जंगल का दृश्य। बहुत बढ़िया। अरे वाह, तुम लोगों ने तो इतना सुंदर जंगल का दृश्य तैयार किया। देखा, इन चुनियों को हवा बनाकर और आसपास पेड़ लगाकर तुम तो सचमुच का जंगल बना बैठे। लेकिन इस जंगल में और क्या क्या होगा? शिकारी। अच्छा, शिकारी जानवर, लेकिन जानवर कौन से? खरगोश, शेर। लेकिन शेर कैसे चलेगा भाई? और खरगोश ऐसे फुदक फुदक कर। अरे वाह, तो देखा, सेट जहां पे कुछ नहीं होता वहां सेट कुछ भी कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा सामान लगाकर जहां कुछ नहीं है वहां पर कुछ भी बना सकते हैं, या राजा रानी की दुनिया हो या फिर हो जंगल। तो दिखा आपने, हर बार कुछ नया सीखने और कुछ कर दिखाने की मन में लगन लिए। हम फिर मिलेंगे इस राजा रानी और परियों की सुंदर और सजीली दुनिया में। तब तक के लिए नमस्कार।